जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों, महात्मा गांधी नरेगा गारंटी योजना में रिसोर्स पर्सन की भर्ती निकली हुई है। इसी की तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। आप सभी भाई बहनों ने कमेंट किया था कि सर वो नरेगा वाली जो भर्ती चल रही है उसके ऊपर आप एक वीडियो जरूर लेकर के आए। तो जी हाँ साथियों, आपने कहा और हमने नहीं किया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आपके अंदर जो भी डाउट हो, आपके मन में जो भी दिक्कत हो, जो भी वही समस्या चल रही हो, किसी भी भर्ती के बारे में आप तो निसंकोच भाव से हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसी के ऊपर वीडियो लाएंगे साथियों, ठीक है। तो ये जो नरेगा वाली जो भर्ती है, रिसोर्स पर्सन की भर्ती है, इसी के ऊपर हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओम वी रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये जो महात्मा गांधी नरेगा भर्ती है, ये बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, आप सभी को पता है, बिना परीक्षा की सीधी भर्ती है। और इसमें 100 पद हैं। कितने पद हैं दोस्तों? 100 पद हैं। और ये जो भर्ती होती है ये जिले वाइज होती है दोस्त। तुम ऐसे मत सोचा करो कि भाई आपने कहीं पे देख लिया, इसकी वीडियो देख ली या इसका नोटिफिकेशन आपने देख लिया कि साहब ये भर्ती तो यहाँ की है, ये भर्ती तो राजस्थान की है, ये दिल्ली की है, ये महाराष्ट्र की है, ये मुंबई की है, तो क्या हम भी इसमें आवेदन कर दें? तो क्या ये ऑल इंडिया के लिए होती है क्या? नहीं दोस्त, ये ऑल इंडिया की भर्ती नहीं है, ये पंचायत स्तर की नौकरी होती है। इसमें जिले वाइज फॉर्म निकलते हैं और आपके राज्य में भी अगर निकल जाए तो भी आप नहीं भर सकते हो, क्योंकि आपके जिले में होनी चाहिए पद, खाली पद आपके जिले में हो तब जाके आप फॉर्म भर सकते हो, ऐसे नहीं भर सकते आप। अब ये जो भर्ती है, ये भर्ती आपने बहुत सारी देखी होंगी तभी कमेंट किए हैं। ये जो भर्ती है ये देखो, तुम्हारी महात्मा गांधी मनरेगा सीधी भर्ती 2024 रिसोर्स पर्सन भर्ती महाराष्ट्र सोसाइटी, महाराष्ट्र की ये भर्ती है। इसकी जो योग्यता वगैरह है, ये जो सारी चीजें हैं, ये 12वीं पास स्नातक फॉर्म लगा सकते हैं और इसमें 100 पद हैं, समझ रहे हो? इसमें 100 पद हैं, बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होती है, इंटरव्यू होता है। इसमें चयन कैसे होता है? इंटरव्यू होता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर साक्षात्कार होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होती है, समझ रहे हो? और ये ऑफलाइन भर्ती है, ऑफलाइन आवेदन है इसके 5 जनवरी 2024 से शुरू है और 22 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करें एज की, तो एज इसमें 18 से 50 साल के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फीस 0 रुपए है, यानी कि जब ऑफलाइन ही है तो फॉर्म फीस 0 है, कोई समस्या नहीं है। और इस भर्ती में जो पदनाम वगैरह हैं, पदनाम तो है रिसोर्स पर्सन, पद हैं इसके 100, योग्यता है 12वीं पास या स्नातक, कोई भी हो आप लगा सकते हो। इसमें 15,000 वेतन आपको मिलेगा, यानी कि 500 रुपए पर डे, 500 रुपए प्रति डे, जी साहब। और इसकी जो ड्यूटी होती है ना दोस्त, वो ड्यूटी क्या होती है? आपको गांव में नरेगा चलते रहते हैं, उन नरेगाओं में आपको जाना है और सामाजिक अंकेक्षण का आपकी ड्यूटी रहेगी, यानी कि आपको नरेगा चेक करने हैं, वहां पे जाना है, मैट वगैरह रहते हैं, लेबर काम करती रहती है, बड्डा खोदते रहते हैं, तो उनको आपको जांच पड़ताल करनी है, चेक करना है, समझ रहे हो? कितना का काम हो रहा है, कितना काम हुआ, कितना बाकी है, समझ रहे हो? इस मस्ट्रोल में कितना काम हो गया है, 15 दिन का पखवाड़ा होता है, पखवाड़ा में एक मस्ट्रोल होता है, तो एक मस्ट्रोल 15 दिन में आपका कितना काम हुआ है, उसकी पूरी छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, इस प्रकार से नरेगाओं में जा जा करके आपकी ड्यूटी रहेगी। वहां आपके गांव में भी, आपके खुद के गांव में हो चाहे भाई दूसरे गांव में हो, वहां पे आपको ड्यूटी दी जाती है। नरेगा के काम जहां चलते रहते हैं वहां पे आपको जाना पड़ता है, फिर आपका जो काम है वो ऑनलाइन रहता है, मोबाइल से करो चाहे तुम लैपटॉप से करो, समझ रहे हो? इस प्रकार से ये ड्यूटी रहती है नरेगाओं में, सामाजिक अंकेक्षण, नरेगा का निरीक्षण करना वगैरह, ये काम रहता है।
अच्छा जी, ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी होती है, महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये जिले वाइज नौकरी होती है दोस्तों। अब ये जो भर्ती है ये तो महाराष्ट्र की है, तो अब महाराष्ट्र की भर्ती में कोई राजस्थान का आदमी थोड़ी फॉर्म भर सकता है, कत्ते ही नहीं भर सकता। थारा राजस्थान में निकले जब फॉर्म भर जो, आप तो महाराष्ट्र वाला भरेगा फॉर्म, समझ गया मेरी बात। अच्छा जी, और इसमें साक्षात्कार की सूची भी जारी कर दी जाएगी 5 फरवरी को, जिले की वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर कोई भी भाई बहन महाराष्ट्र का है तो वो फॉर्म भरेगा तो आपकी इंटरव्यू की जो सूची जारी होगी वो 5 फरवरी को जारी कर दी जाएगी, और फिर तुम्हारा इंटरव्यू जो होगा वो 15 फरवरी को होगा, और फिर तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा ना सत्यापन, तो वो होगा तुम्हारा 23 फरवरी को, और तुम्हारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी ना साहब वो आ जाएगी 28 फरवरी को, यानी कि मार्च में आप ड्यूटी चढ़ जाओगे जी, ड्यूटी आपको मार्च में मिल जाएगी साहब, ठीक है, आप मार्च में ड्यूटी पे लग जाओगे, कोई समस्या नहीं है, फाइनल मेरिट वगैरह आ जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर्म कहाँ भेजें भाई, महाराष्ट्र वाले जो हैं वो फॉर्म कहाँ भेजेंगे, 2 लगा करके, कमरा नंबर 111 पहली मंजिल रोहियो शाखा कलेक्टर कार्यालय पालघर महाराष्ट्र, और लास्ट डेट है 22 जनवरी 2024, यानी कि 22 जनवरी से पहले पहले तुम्हारा फॉर्म यहां पालघर के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए ऑफलाइन तरीके से डाक द्वारा। अब डाक द्वारा चाहे स्पीड पोस्ट कराओ चाहे अपने साधारण पोस्ट कराओ, डाक द्वारा ही ये फॉर्म भेजना है आपको, और ये जिले वाइज भर्ती होती है, इसमें महाराष्ट्र में भी जो जिला होता है उस हिसाब से ही इसमें फॉर्म लगते हैं, समझ रहे हो। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी, 100 पदों की ये भर्ती है, इसमें ऑल इंडिया के महिला पुरुष आवेदन नहीं कर सकते हैं। तुम सोचो कि सब ऑल इंडिया के ही फॉर्म भर देंगे क्या, ये ऑल इंडिया के नहीं है, ऑल इंडिया की होती है तो हम आपको बता देंगे कि भाई ये ऑल इंडिया है, लेकिन ये नहीं है, इसमें जिले वाइज भर्ती निकलती है और जिले के अनुसार ही फॉर्म लगते हैं। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। राजस्थान वालों के लिए भी हम अलग से वीडियो लाएंगे कि भाई आपकी वैकेंसी कब आने वाली है, कितने क्या सिस्टम है, कैसे क्या होता है, पूरी जानकारी के साथ हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें राजस्थान के बारे में बताएंगे दोस्तों, आपकी जो नई अपडेट होगी 2024 की वो आपको समझा देंगे। तो अगर वीडियो जरा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।